अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शामिल करेंगे नोकिया की एक और डिवाइस को, जिसको मिल चुका है लेटेस्ट इस मंथ का सिक्योरिटी पैच अपडेट। इस मंथ के अंदर काफ़ी सारी ऐसी डिवाइस हैं जिसको ऑलरेडी लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है इस मंथ के यानी अक्टूबर के मिल चुके हैं। बात करेंगे आज नोकिया 5.4 के बारे में। नोकिया 5.4 भी उन नोकिया की डिवाइस में शामिल हो चुकी हुई है जिसको मिल चुका है इस मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट। बात करेंगे सिक्योरिटी पैच अपडेट के हवाले से और देखेंगे इस अपडेट के अंदर क्या चेंज लॉक है, क्या अपडेट साइज़ है, क्या इसका जो है सिक्योरिटी पैच लेवल है और क्या इसमें चेंजेस जो हैं वो दी गई हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्या डिसइम्प्रूवमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग अपनी डिवाइस के ऊपर सबसे पहले देख सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि आज नोकिया 5.4 के अंदर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट इस मंथ का रिलीज कर दिया गया है। आप लोग इस अपडेट का इमेज आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाउनलोडिंग है वो पास्ट की गई है ताकि आप लोगों के साथ डिटेल्स वो शेयर की जा सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन है सॉफ्टवेयर अपडेट गूगल सिक्योरिटी पैच। तो यहाँ पर गूगल का सिक्योरिटी पैच अपडेट लेटेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है नोकिया 5.4 की डिवाइस के लिए। और इसके बाद जो है वो व्हाट्स न्यू है गूगल सिक्योरिटी पैच 2022-10। तो यहाँ पर जो है अक्टूबर के मंथ के अंदर अक्टूबर 2022 का सिक्योरिटी पैच अपडेट रिलीज कर दिया गया है। सैमसंग की एक डिवाइस के लिए नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट ऑलरेडी रिलीज हो चुका हुआ है और अभी तक गूगल पिक्सल की डिवाइस के में भी नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो रिलीज़ नहीं किया गया। और नोकिया भी अभी जो है अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच अपडेट ही रिलीज़ कर रहा है, नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट रिलीज़ नहीं किया उन्होंने भी। सैमसंग इस हिसाब से जो है वो लीड कर रहा है नवंबर के सिक्योरिटी पैच अपडेट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है अक्टूबर 2022 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है नोकिया 5.4 की डिवाइस के लिए। यहाँ पर जो इसका अपडेट साइज़ है ना, आप बॉटम पर देख सकते हैं 49.65 MB, जस्ट 50 MB का अपडेट साइज़ है। ज़्यादा बड़ा अपडेट साइज है, नॉमिनल सा अपडेट साइज़ है। आप इसको वाईफाई के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं और सिम के थ्रू भी। जस्ट आपको जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे इस अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉलेशन में। इसके बाद आप लोगों की डिवाइस जो है वो रिबूट हो जाएगी। इससे पहले आप लोगों ने अपनी डिवाइस का बैकअप ज़रूर ले लेना है ताकि आपका जितना भी डाटा है वो सेव रह सके, ताकि आप लोगों को अपडेट के दौरान कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत पेश आए तो आप लोग अपने डाटा को रिस्टोर करके बैकअप को रिस्टोर करके आप लोग अपनी डिवाइस को नॉर्मल ऑपरेशन मोड में ला सकते हैं। तो ये 50 MB का अपडेट साइज़ है। इसमें आप लोगों को अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। इसके बाद जो है आप लोगों को अपनी डिवाइस की सिक्योरिटी जो है वो और इन्हांस्ड मिलेगी। डिवाइस की स्टेबिलिटी जो है उसके अंदर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं और डिवाइस के बैटरी बैकअप के अंदर भी और कैमरे के अंदर भी। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। ये अपडेट जो है वो ग्लोबली रिलीज किया गया है, तकरीबन तमाम कंट्रीज़ के अंदर ही आप लोगों को जो है ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक और इमेज आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये भी जो है एक अदर कंट्री के अंदर मिला है। तो यहाँ पर तकरीबन ये ग्लोबल अपडेट है, ग्लोबल जितने भी कंट्रीज़ के अंदर रीजन्स के अंदर नोकिया जो है ऑपरेशंस अपने लीड कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपडेट जो है वो मिल चुका हुआ है। अगर आप लोगों के पास में नोकिया 5.4 की डिवाइस मौजूद है और आप लोगों ने अभी तक अपनी डिवाइस को चेक नहीं किया तो काइंडली अपनी डिवाइस को चेक करें। तो चेक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं उसका प्रोसीजर भी आप लोगों में सामने जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये प्रोसीजर है इसका। इस प्रोसीजर के थ्रू आप लोग अपनी डिवाइस के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपको लोगों को अपडेट्स जो है वो मिला है या नहीं मिला। इस अपडेट को डाउनलोड इंस्टॉल कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस अपडेट के बाद आप लोगों की डिवाइस के अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या डिसइंप्रूवमेंट्स हैं, क्या नई चीज़ें हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।